हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। ये होगा पर्पल का मेकअप हॉल। मुझे purple.com ने बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट सेंड किए हैं, बस वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। ये वाला मेकअप लुक अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये वाला मेकअप लुक कल अपलोड होगा, तो आप लोग जरूर देख लेना। थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है ये वाला मेकअप लुक। एनीवेज, चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सारे प्रोडक्ट के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इनमें लिपस्टिक्स भी बहुत सारी इन्होंने सेंड की हैं। लेट्स बिगिन गाइस। purple.com के ऊपर सेल स्टार्ट हो चुकी है। पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल फ्रॉम 22nd जून टू 27th जून तक अप टू 50% ऑफ तक आपको मिल जाएगा। प्लस गेट ए चांस टू विन एन आईफोन यूजिंग कूपन कोड iPhone 12। वाओ के ऊपर फ्लैट 40% ऑफ है। गुड वाइब्स टेक वर्की एल्प्स गुडनेस NY बे फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा। मेबेलिन 40% ऑफ आपको मिल जाएगा। 24th एंड 25th जून को अलग ऑफर्स एंड कूपन कोड्स हैं, तो आप वो भी देख लेना। 26 एंड 27 जून को कोई दूसरे कूपन कोड्स हैं, आप वो भी देख लेना। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन के ऊपर प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, तो सब कुछ आप जाके चेकआउट कर। गाइस, जो जो प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ रहा है ना बारी बारी से, बस मैं आपको वही दिखा रही हूँ। एंड मैं ना जमीन पे बैठी हूँ, आई थिंक आपको लाइटिंग सही दिखनी चाहिए, बाकी पता नहीं मुझे। थोड़ा सा कंफर्टेबल होता ना जमीन में बैठ के हॉल वगैरह शूट करना, इस वजह से। ये है गाइस NYB का एलिस आइलैंड आईलाइनर है, ये देख सकते हो आप। और इसमें जो शेड है वो है ब्लैक पर्ल 1 नंबर, इन्होंने सेंड किया है। कुछ इस हिसाब से है ये, ठीक है, आईलाइनर है ये। ये तो बहुत टाइम पहले ब्रांड ने लॉन्च किया था ये वाला प्रोडक्ट। उसके बाद गाइस मेरे पास है NYB का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर। NYB के भी कंसीलर काफी अच्छे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई किया तो ट्राई करना। एंड काफी अफोर्डेबल कैटेगरी में भी, शेड नंबर 2 है ये। आई थिंक मुझे 1 या 2 में से कोई मुझे सूट कर जाता है, मतलब मेरी स्किन टोन को सूट कर जाता है, ठीक है। ये है कंसीलर NYB का, कवरेज भी काफी अच्छी है इसकी। है मेरे पास पहले भी है ये वाला कंसीलर, इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो पक्का डाली ही होगी पहले, ठीक है। रुको दिखाती हूँ आपको कवरेज वगैरह, कुछ इस हिसाब से इसका ब्रश है। एंड दिख रहा है आपको, ब्लेंड करोगे तो काफी अच्छी आपको कवरेज मिल जाती है, ठीक है। एंड अब मैं दोबारा एंड नहीं बोलने वाली हूँ। लिपस्टिक है NYB की मिनी रनवे लिपस्टिक है, और ये जो है किट 1 है, क्लासी कैटवॉक। देखो जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना, मच्छर मेरे आसपास घूमेगा या मुझे काटने के लिए, जब मैं रैकेट इसके आसपास घुमाऊंगी फिर ये गायब हो जाएगा। गाइज ये ना कुछ इस हिसाब से किट है, और 199 रुपीज की है। बाकी आपको इसके ऊपर सेल वगैरह मिल जाए, सेल वगैरह तो चलती रहती है, डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। मिनी लिपस्टिक्स हैं एंड इनका जो शेड है वो इस हिसाब से है, ठीक है। ये शेड है एंड आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, न्यूड मॉवी पिंक सा कलर है, वो मजेंटा कलर था, ये रेड कलर है, ऑरेंजी रेड सा कलर, ये एक पिंक कलर है, ठीक है। ये आपको शेड मिल जाएंगे कौन सी किट, किट नंबर 1 में, ठीक है। ट्रेवल फ्रेंडली, अगर आप ज्यादा लिपस्टिक्स नहीं इतना ज्यादा अप्लाई करते, अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी नहीं खर्च करनी, तो आपको ये छोटी छोटी वाली ठीक है आपके लिए। फिर मेरे पास से पर्पल की अल्ट्रा HD मैट लिपस्टिक है, और इसका फॉर्मूला काफी कम अच्छा है, लुक भी कितनी अच्छी है इसकी देखो, ठीक है। ये है, ये जो शेड है वो है गाइज 11 नंबर, हाइकिंग पार्टनर 11। वैसे ना मैं इनके हैंड स्वेचेस डालूंगी यार, ये एक्चुअली अभी मैं पहले वीडियो एक शूट करके हटी हूं ना, तो उसके हैंड स्वेचेस हैं, ये देख लो, ठीक है। काफी अच्छा ब्यूटीफुल वाला शेड है, पैकेजिंग भी अच्छी है इसकी। फिर मेरे पास है गाइज ये NYB Into Shakti मोहन, इन्होंने कोलैब किया था। ये है फैब फ्री स्टाइल 12, क्या है मैं भूल गई, लिपस्टिक है ये, अच्छा हाँ NYB शक्ति लिक्विड लिपस्टिक है ये। अभी तो गाइज मैं ना आपको फटाफट से दिखा देती हूँ, जितने भी लिपस्टिक्स है ना मैं सबके हैंड स्वेचेस करके ना व्लॉग्स में एड करती हूँ, व्लॉग्स की स्टार्टिंग में ना मैं एड कर देती हूँ। एंड अगर कोई किसी लोगों ने ब्लॉग नहीं देखा होता है तो मैं क्या करती हूँ, उसको शॉर्ट बना देती हूँ। लाइक जो यूट्यूब पे शॉर्ट नहीं आते 30 सेकंड के 1 मिनट के,
शॉर्ट बना के गाना लगा देते हो, सबके लिंक्स वगैरह आपको डाल देते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अभी तो इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे, ठीक है। इनके मैं सबके ना आपको हैंड स्वेचेस डालूंगी अलग वीडियो में। फिर मेरे पास है गाइस ये NY Bay का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर और ये जो शेड है शेड नंबर 3 है। फिर मेरे पास है NY Bay का HD स्पॉटलेस लिक्विड कंसीलर शेड नंबर 11 और ये है द बिग एप्पल ऑफ माई आई कोल। ये काजल पेंसिल है NY Bay का, ये भी काफी अच्छा वाला काजल पेंसिल है, नई ट्राई तो आप ट्राई करना। फिर मेरे पास है स्टेक वर्की की 9 पेन आई शेडो पैलेट। भाई साहब इसकी पिगमेंटेशन बहुत है, मैं देखना क्लीन है ना मेरी फिंगर्स, जैसे इसको टच करूंगी रेड कलर को, ये देखो इसको टच करूं, ये देखो इसकी पिगमेंटेशन बहुत है, मतलब काफी अच्छी पिगमेंटेशन है और कलर पे ऑफ भी काफी अच्छा देख, मतलब वही की चीज होती है, ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी तरह से करता है। तो ये मैं आपको बोलूंगी अगर आपको कुछ ऐसे वाले शेड्स चाहिए तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। अच्छा इसमें एक और है, ये है क्या लिखा है, नंबर नहीं लिखा क्या, नंबर क्यों नहीं नजर आ रहा मेरे को, नंबर नहीं नजर आ रहा यार क्यों, सल्ट्री आईज 1 इसके ऊपर लिखा है सॉरी इसके ऊपर लिखा होता है, मैं इसके ऊपर ढूंढ रही थी ना, इसके ऊपर एक और कवर है ना उसके ऊपर लिखते हैं ये है फायरी आईज 2 जो भी मैंने आपको रेड कलर में दिखाया ना, ये फायरी आईज 2 नहीं, अगर मैं इधर वाले इसको अगर मैं इधर डाल दूं तो सल्ट्री आईज 1, तो आपको उनकी वेबसाइट पे जाके देखो ना यार कौन सा शेड नंबर 1 है कौन सा शेड नंबर 2 है, ठीक है ये आप देख लो। उई मेरे से गिर गया, ये देखो इसमें से अगर मैं ये येलो कलर देखूं तो, वैसे गलत फिंगर पे लगाया, येलो कलर पिगमेंटेशन तो है, पिगमेंटेशन तो इनकी काफी अच्छी है। एंड ये ब्राउन कलर कितना अच्छा लग रहा है, ब्राउन सा कॉपर सा, ओ कितना स्मूथ था ये वाला कलर, हल्की शाइन है इसके अंदर, इनकी पैलेट्स अच्छी है, ट्राई करना चाहते हैं जरूर ट्राई करना। पर्पल का गोइंग बनानी है, बनाना पाउडर है पर्पल का, बेक एंड सेट, मतलब आप इसके साथ बेक भी कर सकते हो अपने फेस को या फिर वैसे ही अपने बेस को सेट भी कर सकते हो। बनाना पाउडर है, लेट मी शो, ये है मेरे पास येलो कलर का, आइसिंग पैकेजिंग होगी, यस मैंने बोला ना कोई गिरने वाला था, ये देखो हल्का सा येलो टोन में है ये, ठीक है लूज नहीं है ये, सेट वाला बनाना पाउडर है। एंड उसके बाद गाइस मेरे पास है पर्पल का कॉम्पैक्ट विद SPF, इसका जो शेड है वो है बेज सेल्फ केयर 3 एंड कॉम्पैक्ट है ये पर्पल का, ठीक है ये आप देख लो कॉम्पैक्ट होते हैं स्किन कलर के है ना, तो ये जो बनाना पाउडर है हल्का सा येलो टोन में आता है आई थिंक, हल्का सा ये देखो ये स्किन कलर ने हल्के से येलो टोन में आता है, ठीक है। एंड फिर गाइस मेरे पास है NY Bay का ब्रॉडवे बॉम्ब फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट क्रीम टू पाउडर, व्हाट डज दैट मीन क्रीम टू पाउडर, मतलब हम इसको गीला करके भी यूज कर सकते हैं पता नहीं मुझे, ओए भाई साहब ये थोड़ा सा, ओए ये क्या है, ये तो कुछ नई चीज है, ये क्रीमी टाइप्स भी है, ये देखो ना ये फाउंडेशन टाइप्स है, ये जैसे केक वाली नहीं होती फाउंडेशन, ये वैसा है, कुछ अच्छी चीज लगी, कुछ नया है मतलब, हाँ इसको हम लगा ले फाउंडेशन की तरह और इसको ब्लेंड कर ले, ब्लेंड करने के बाद ये क्या हो जाएगा पाउडरी, मतलब ऐसा हो जाएगा बिल्कुल सेट हो जाएगा, आई थिंक वी डोंट नीड एनी पाउडर वगैरह, लग तो नहीं रहा मुझे इसकी जरूरत, लोग कहेंगे अपने में बात करी जा रही है। मैंने भी पहली बार इसको देखा ना, एक बार मैंने भी इसको पहले खोला था तभी यहाँ से खराब था, एक्चुअली मैं इसको ऐसे हटा रही थी निकल नहीं रहा था, फिर मैंने जोर से ऐसे फिंगर मारी थी तो मैंने बोला ये चिपचिपा सा पाउडर क्यों लग रहा है, बट गाइस ये ना फाउंडेशन टाइप्स है, इन्होंने थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर बनाया हुआ, क्रीम टू पाउडर है ये,
इन शेल फाउंडेशन कंसीलर कॉम्पैक्ट है। क्या क्या नई नई चीजें निकालती है ना ये NYB का था बाय द वे, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट है, ट्राई करूंगी इसको इसके साथ बेस को सेट करने का, बेस अप्लाई करने का। ये एक और शेड है मेरे पास, ये सेम देख लो, इसमें शेड कौन सा था मेरे पास, शेल वन, और ये कौन सा था, कोरल टू। ये शेल वन और ये कोरल टू दो अलग अलग शेड्स हैं। कोरल दिखा दूं मैं आपको कैसा है, मेरे को भी देखना है एक्चुअली, हल्का सा कलर डिफरेंस है। अब देखो अभी निकालूंगी ना ऐसे निकलेगा नहीं मेरे साथ, वो पहले वाले में भी यही हुआ था, तो मुझे इसको जोर से करना पड़ेगा या फिर कहां से करूं, कोने से ही निकलता नहीं है, ई मेरी फिंगर चलेगी। ये देखो क्रीम है, ठीक है क्रीम टाइप से फाउंड ऐसा ब्लेंड हो जाता है। तो ये शेड है शेड नंबर टू NYB का, ये कॉम्पैक्ट, ये आई थिंक मैंने बाहर निकाला हुआ, मैं यूज भी कर रही थी। स्टेक वर्की का न्यूड कॉम्पैक्ट है, कैपेचिनो गैल सिक्स, आई मीन सिक्स नंबर है कॉम्पैक्ट है स्टेक वर्की का। आपको दिखाई देती हूँ मैं इसकी पैकेजिंग कैसी है, कॉम्पैक्ट बहुत भेजे हैं इन्होंने। अरे ये कितनी मोटी वाली पैकेजिंग है, याद नहीं आ रही है। अच्छा ग्रीन वाला है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, स्टेक वर्की का न्यूड्स। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं वीडियो बनाने के बाद इनको फेंक देती हूँ, तो मुझे ना इनकी पहचान होती है, मुझे इसकी पहचान नहीं होती। अभी मैंने बनाया ना, जितने गत्ते 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 आपको नजर आ रहे हैं सब डस्टबिन में होंगे, क्योंकि मैं नहीं रखती, इतनी जगह नहीं हो पाती, तो मैं बस प्रोडक्ट्स को ही रखती हूँ। इस वजह से ये शेड नंबर सिक्स है बाय द वे, यहां से ऐसे करके खुलता है, डार्क है ना। उसके बाद गाइस मेरे पास है ये NYB की मैट लिपस्टिक विद आर्गन ऑयल। ये जो शेड है ना, ये आई थिंक मैंने लगाया था, मुझे याद आ रहा है, ये देखो लगा हुआ आगे से शेड, मैंने किया था ब्राउन कुर्ती के साथ मेकअप लुक है ना, तो मैंने ये वाला शेड लगाया था, फोर नंबर ट्रेंड्स। मैंने एक न्यूड सा शेड लगाया था ना अपने लिप्स के ऊपर, तो यही वाला शेड था। अब जाके देखो जरा ब्राउन वाला जो मैंने मेकअप लुक किया था, और इसका प्राइस है 199 रुपीज। डेफिनेटली आपको इसके ऊपर सेल वगैरह पे यू नो डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगा। एंड उसके बाद गाइस मेरे पास है ये स्काई लाइन किसिंग लिपस्टिक है। छोटी छोटी वाली लिपस्टिक्स हैं जिनको शार्प करना पड़ता है, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी है मेरी, NYB का है ये। एंड उसके बाद गाइस मेरे पास है हाई आईलैंड आई पेंसिल है NYB की, ये कैसी मुझे याद नहीं आ रही पेंसिल, मतलब अच्छा ये इस हिसाब से, मतलब ये क्या है, ये आई पेंसिल हाई ऑन ब्राउन, ये ब्राउन कलर है, जस्ट आपको आई पेंसिल है गाइस, काजल पेंसिल टाइप्स, ठीक है ब्राउन कलर में है ये। उसके बाद गाइस मेरे पास ना तीन नेल पेंट्स हैं, ये है NYB की शेड नंबर 21, ये थोड़ा सा लेमनी येलो सा कलर है शेड नंबर 5, देन आई हैव ये शेड नंबर 6, ये थोड़ा सा व्हाइट ग्रे सा कलर है ना, व्हाइट ग्रे सा, ये तीन कलर है नेल पॉलिश के। फिर मेरे पास है गाइस NYB की ये ऑरेंज करेक्टर है, कहां लगा हूं अब तो जगह ही नहीं बची, ऑरेंज करेक्टर है ये, ठीक है। फिर मेरे पास है NYB शक्ति 02 नंबर है, ये लिपस्टिक है इनका, मैं अलग से डालूंगी, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये लाइनर है ब्लू कलर में लाइनर है, ठीक है। ब्लू लाइनर है, ब्लू रॉयल ब्लू सा कलर है, काफी अच्छा लग रहा है, रॉयल ब्लू कलर है। फिर मेरे पास है गाइस ये NYB की लिक्विड लिपस्टिक है शेड नंबर 48, इनको मेरे को ना अलग में करना है, ये जितनी भी आज की वीडियो में जितने भी इस डब्बे में से लिपस्टिक्स निकली है ना, उनको मैं अलग अलग हैंड स्वेचेस करूंगी, तो अब इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, ऑलरेडी बहुत लंबी होगी, तो मैं फटाफट से वाइंड अप करती हूँ। ये है शेड नंबर 12 NYB का, ये शेड है थोड़ा सा
ठीक है, शेड नंबर 12 है ये। सबके लिंक्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। NYBA का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर स्टिक है ये, वही जो अभी एक आपको मैंने स्टिक दिखाई ये ग्रीन कलर में। अभी मैंने आपको यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर दिखाने, ये ग्रीन करेक्टर है। NYBA का क्या है ये फाउंडेशन कलर कॉन्टोर स्टिक, ये है येलो करेक्टर। येलो करेक्टर कैसा होता है देखो, मिला खुला, अरे सारा खुला पड़ेगा, एक सेकेंड देखना है मुझे। येलो करेक्टर मैंने कभी देखा याद नहीं आ रहा। ओ इस हिसाब से येलो करेक्टर, येलो करेक्टर है। येलो करेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, जहां पे पर्पल टाइप्स कुछ स्किन होती है। हाँ मेरे को याद नहीं, मतलब नहीं आ रहा मेरे को, समझ में नहीं आ रहा, वही दब गया। येलो करेक्टर हम क्यों यूज करते हैं, डार्कनेस को कवर अप करने के लिए तो हम ऑरेंज करेक्टर यूज करते हैं। ग्रीन करेक्टर हम यूज करते हैं जहां पे रेडनेस है, जैसे लाल लाल दाने अगर आपके हैं ना तो आप ग्रीन करेक्टर यूज करोगे। अगर आपके डार्क सर्कल्स है, ब्लैक है, जहां पे भी पिगमेंटेशन है, ऑरेंज करेक्टर यूज करते हो। आई थिंक येलो वाला ना पर्पल टोन को कट करता है, लाइक कहीं की ना बहुत सारी पर्पल वीन्स नजर आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन करेक्ट कर देना मुझे। अगर आपका कहीं पे पर्पल पर्पल अगर आपका कुछ लग रहा है आपको फेस के ऊपर, तो आप येलो करेक्टर यूज कर सकते हो। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कर देना प्लीज गाइस, ठीक है। याद नहीं आ रहा, देखो हर जगह पे लगेगा। मैट लिक्विड लिपस्टिक है असवा हलाल की, ठीक है, शेड नंबर 11। इनके ऊपर अलग से डालूंगी, इसको खोलूंगी, प्लास्टिक उतारूंगी, इट विल टेक सो मच टाइम, ठीक है। ये भी है शेड नंबर, मैट लिक्विड लिपस्टिक है रूबी रेन। देखो जरा इनकी पैकेजिंग कैसी है, पहली बात तो असफा हलाल की, इसकी मैंने अलग से डाली, मैंने देखी नहीं अभी तक, ओपन ही नहीं किया। ओके इस हिसाब से है, रेड कलर में है ये रूबी रेन। बस थोड़े सी प्रोडक्ट और रहेंगे। पर्पल की अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक, ओ माय गॉड दिस इज सच अ प्रिटी रेड कलर, सच अ प्रिटी रेड कलर। इतनी देर बोल रही हूँ, लिप्स भी सूख गए मेरे, पानी पीने का मन कर रहा है मुझे। आई वॉन्ट टू रिपीट टू, इसको मैंने हैंड स्वेच किया था, ओ माई गॉड दिस इज सच अ प्रिटी रेड कलर। और मैंने आपको बोला ना पर्पल की जो लिपस्टिक में वेलवेट लिखा ना, जहां पे चाहे वो लिक्विड लिपस्टिक हो चाहे वो दूसरी लिपस्टिक हो, आपको एक बार उनका जरूर फॉर्मूला ट्राई करना चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर्मूला। रेड कलर है ना, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, रिच रेड कलर होता है ना एकदम, तो रिच रेड कलर वैसा है ये, मुझे बहुत प्यारा लगा था। कोई रेड साड़ी के साथ अगर मैं कोई मेकअप लुक करूंगी ना तो यही वाला कलर अप्लाई करूंगी, याद रखना आप लोग। अल्ट्रा HD वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 2, मूवी मैराथन्स दैट आई वांट टू रिपीट टू, ये आप याद रखना है, ये वाला शेड मैं अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि है मैंने सोचा हुआ कुछ रेड साड़ी के साथ मेकअप लुक निकालना। सब कुछ मेरा सेट वेट हो चुका है। रियली वीडियो एंड तक करूं, उसके बाद फिर मैं हैंड वॉश करके आती हूँ अच्छी तरह से, इसको पहले सारा रिमूव करूंगी तो हैंड वॉश करूंगी। क्रीमी मैट लिपस्टिक है असफा हलाल की, एंड ये जो शेड है शेड नंबर 11 है, कॉफी क्लाउड, कॉफी क्लाउड शेड नंबर 11। देखिए सर इनका कॉफी कैसा कलर है, ओ इट्स ए ब्राउन टोन कलर, ब्राउन कलर है। कहाँ लगाए अब इनको, नहीं बेटा थोड़ा खोलो, थोड़ा खोलो, यस अच्छा लग रहा है, ब्राउन सा कलर है ना, अच्छा ब्राउन कलर है। क्या है ये वाली क्रीमी मैट लिपस्टिक है, हाँ बहुत क्रीमी सा टेक्सचर है इसका, मैट हो जाएगा देख सकते हो आप, ये अच्छा वाला ब्राउन कलर है यार। ये कितने की है लेट मी चेक, ये आपको मिल जाएगी, वैसे तो लिंक्स मैंने आपको डाल दिया, 295 रुपीज की लिपस्टिक है, एंड पक्का आपको सेल वगैरह में मिल ही जाएगी, ठीक है। शेड नंबर 11 है कॉफी क्लाउड असफा हलाल की, अगर आपको कुछ ऐसा ब्राउन चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। ये क्या है, NYBA की लिपस्टिक है आई थिंक, यस शेड नंबर 15, ये रहा, ठीक है शेड नंबर 15। इसके साथ के कितने कलर्स कर दिए ना मैंने, ये बिल्कुल सेम क्यों लग रहा है मुझे, बिल्कुल सेम लग रहा है, कोई और निकाला क्या मैंने शेड नंबर 15 इसके जैसा।
नहीं ये तो शेड नंबर 12 था। एनीवेज गाइस चलो ये है एनवाई मेकअप प्रॉम रेडी आई शेडो पेंसिल है और फिर मेरे पास है स्काईलाइन किसिंग लिपस्टिक पेंसिल है। मैं आपको फटाफट से एक दिखाई देती हूँ। ये आई शेडो पेंसिल क्या होता है ना छोटी छोटी पेंसिल से आपको उसको छिलना पड़ेगा शॉर्पनर के साथ तो या एंड बहुत छोटी छोटी सी है। खुलो बेटा फाड़ी रप्पा बारी नहीं आंदी भी फाड़ी दो। हाँ इस हिसाब से गाइस ये आई शेडो पेंसिल है और लिटिल ब्लैक ड्रेस 11 नंबर है ये। इतना इनका साइज होता है छोटा छोटा सा बटर की तरह स्मूथ चलते और ये जो कलर है ये गन मेटल ग्रे सा कलर है टोटली ब्लैक नहीं है टोटली ग्रे नहीं है मिक्स सा ये वाला शेड है और इसी हिसाब से ये वाली आपको लिपस्टिक पेंसिल भी मिल जाएगी। इसको भी आपको शॉप करना पड़ता है तो या अभी आधा घंटा नहीं निकलेगी तो मुझे इसको फाड़ना पड़ेगा। निकलो बेटा ये देखो ये लिपस्टिक पेंसिल है वो आई शेडो पेंसिल थी ये लिपस्टिक पेंसिल है। टेक्सचर बहुत स्मूथ है आपके सामने ही है टेक्सचर बहुत स्मूथ है मैटिफाई हो जाता है एंड या एनवाई बे का गाइस ये लॉन्ग आईलैंड ये वाटर रेजिस्टेंस स्मज प्रूफ ये काजल है ब्लैक काजल है ये एनवाई बे का। एनवाई बे का गाइस ये है लिक्विड लिपस्टिक है शक्ति वाली रेंज में अलग से जितने भी लिपस्टिक है सबके हैंड स्वेचेस करूंगी मैं इट विल टेक सम टाइम क्योंकि अब मुझे घर भी जाना है तो शायद मैं घर जाके करूंगी सबका मतलब अपने घर जाना है। अब एनवाई बे की ये बिग एप्पल ऑफ माई काजल आई पेंसिल है ये स्टेक वर्की की आई ल्यूर काजल शेड नंबर ग्रीन है ये शेड ग्रीन है ये मेरे पास ब्राउन है जिसको मैंने काफी खत्म कर दिया। इसको ना आपको छिलना पड़ता है ये कोई रिट्रैक्टेबल पेंसिल ये ग्रीन कलर है कौन सा वाला ग्रीन कलर देखो इट्स अ वेरी डार्क वाला ग्रीन कलर दिख रहा है आपको ग्रीन टोन में ब्लैक नहीं है पर एकदम ब्लैक के क्लोज टू ब्लैक ग्रीन कलर है ये ठीक है। फिर मेरे पास है गाइस एनवाईवे की स्काईलाइन किसिंग लिपस्टिक पेंसिल है ये और साथ में क्या है ब्राउ प्रॉम रेडी आई शेडो पेंसिल है ये प्रॉम रेडी आई शेडो पेंसिल है और इसका जो शेड है वो है शेड नंबर 12 फिट एंड फ्लेयर। ओह गॉड छोटी है मतलब मेरे को ना बिंदु बिंदु सी अंदर ही फंस जाती है। अच्छा ये ग्रीन कलर है देखिए जरा ग्रीन कलर कैसा है। वीडियो एक तो इतनी लंबी होगी मुझे लग रहा कोई भी नहीं देखेगा इतनी लंबी वीडियो को ऊपर से मैंने कोशिश की थी कि जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करूं इसे ग्रीन। अच्छा ये ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है ना वाला ग्रीन कलर कहां करें दिख रहा है आपको ग्रीन कलर या लाइट सा ग्रीन कलर है डिफरेंट सा अच्छा लग रहा है ना। चलो गाइज यही थी आज की वीडियो होप आप लोगों को पसंद आई मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में चिट एंड बाय बाय। लव यू सारे बाल बुल बिछड़ गए इधर से उधर हो गए एनीवे तो बालों को थोड़ा सेट करते हैं मुझे एक और वीडियो शूट करनी है जिसके लिए मुझे एकदम इसको क्लीन व्लीन करना पड़ेगा। चिट एंड बाय बाय लव यू।